हेलो एवरी वन टूडे वी विल स्टार्ट द क्लास सेवन साइंस दैट इज चैप्टर सेवन एंड द टॉपिक इज़ वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट यानी कि वेदर के बारे में पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में देन जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट और वेदर चेंज का और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या अडेप्टशन यानी कि क्या चेंजेस वो अपनी लाइफ में लाते हैं सो लेट स्टार्ट विद द वेदर वॉट इज़ वेदर वे आपने सुना होगा कि आ, आज बहुत सनी वेदर है या आज बहुत आ, वेट वेदर है तो क्या है इट इज़ डे टू डे चेंज इन कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर यानी कि जो हमारा uh, दिन डे बाई डे जो चेंजेस आते हैं एटमोसफेयर के अंदर फिर वो चाहे टेम्परेचर को लेके चेंज हो ह्यूमिडिटी को लेके चेंज हो या विंड स्पीड का चेंज हो तो दैट ऑल कम्स अंडर द वेदर सो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विद स्पीड इज नोन एज वेदर अब टेम्परेचर एज अ हमने अर्लीअल चैप्टर्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई वॉट थर्मोमीटर्स ऐसे ही जो रेनफॉल है वो किससे मेजर होता है एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के ऊपर फनल लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं रेन गॉस बोलते हैं सो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय रेन गॉस एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर एंड सेम विद ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होता है जो एयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी सो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी और इस ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई हाइग्रोमीटर नेक्स्ट विथ विंड स्पीड विंड स्पीड यानी कि विंड की स्पीड जो है वो किस से मेजर होगी एनमोमीटर और ये जो वेदर रिपोर्ट्स हैं ये डे बाय डे टू डे जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं जैसे न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाया जाता है देन न्यूज़पेपर पेपर में भी डेली uh, अगर आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं तो डेली आप चेक करेंगे व्हाट इज़ द वेदर वॉज यस्टरडे एंड वॉट इज़ टूडे वेदर तो यू विल गेट टू नो कि जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो डेली आती हैं और ये जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन इशू करता है कौन मेट्योरोलॉजिकल uh, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें वेदर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है अब जो ये टेम्परेचर है उसको दो मेजर दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है एक तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर जब भी हम क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर को वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो एक मिनिमम टेम्परीचर होता है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह और मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो होता है दोपहर के टाइम में जब सन बिल्कुल हेड पे होता है तो हमने आ, हम फील भी करते हैं कि ड्यूरिंग द आफ्टरनून वी फील मच हॉट देन इन द अर्ली मॉर्निंग वी फील कंफर्टेबल इन द समर्स सो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मॉर्निंग में मेजर किया जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आफ्टरनून अब ये जो क्लाइमेट चेंज है वो किसकी वजह से आता है इट इज़ ड्यू टू द सन जैसे कि हमको पता है कि सन क्या है एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ करता है ऑल्डो कि सन का डिस्टेंस अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है पर उसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये जो एनर्जी है वो अर्थ पे पहुंचती है तो सम ऑफ द एनर्जी इज़ रिफ़्लेक्टेड बैक और कुछ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट नाउ वॉट इज़ क्लाइमेट जैसे कि हमने वेदर के बारे में पढ़ा दैट वॉट इज़ वेदर जो डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं तो वो क्या है डे टू डे वेदर जो है चेंज हो रहा है उसका डे टू डे स्टडी हो रही है लेकिन क्लाइमेट क्या होता है कि जो एवरेज एवरेज जैसा वेदर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे तो हम उसको क्लाइमेट बोलेंगे सो एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज क्लाइमेट जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कहीं का वेदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा नहीं है कि अगले दिन हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो लेकिन अगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या है किसी जगह हॉट uh, है अगर गर्मी ज़्यादा है किसी भी uh, प्लेस पे ज़्यादा मतलब एवरेज ऑफ द टाइम क्या है वहाँ पे गर्मी ही रहती है तो उस प्लेस का जो क्लाइमेट होगा उसको हम बोलेंगे हॉट सो एवरेज पैटर्न जो है वेदर का उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे जैसे कि एन में दो टेबल दिए हैं वहाँ पर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का और केरला का जो क्लाइमेट है उसको स्टडी करने के लिए पैटर्न बनाए हैं दे हैव स्टडीड इन कि मिनिमम टेम्परेचर क्या है देन मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है देन रेनफॉल इन एम्बम तो उन्होंने क्या नोटिस किया दैट uh, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर uh, है लेकिन उसमें क्या है मॉडरेट टेम्परेचर है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और रेनफॉल भी हो रहा है तो इसीलिए लिए वो टहाँ का वेदर कैसा हो गया मॉडरेटली हॉट यानी कि मीडियमली हॉट है एंड वेट आल्सो क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी हो रही है और केरला में जब नोटिस किया गया कि टेम्परेचर वॉज हाई एंड दे वॉज रेनफॉल ऑल्सो तो वहाँ का क्लाइमेट टेम्परेचर की वजह से हॉट भी हो गया एंड वेट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल तो जम्मू एंड कश्मीर का जो है मॉडरेटली हॉट एंड वेट वेदर फाउंड किया गया और केरला का वेदर कैसा होता है हॉट एंड वेट होता है क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है टेम्परेचर हाई एंड रेनफॉल भी रहती है बट अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की तरफ मूव करें जैसे जो वेस्टर्न एरिया से वहाँ पर मूव करें तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो डे का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई होता है और जो रेनफॉल है वहाँ पर इट्स नेगली उसको हम बोल सकते हैं कि लिटिल रेनफॉल होती है तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से और रेनफॉल लिटिल होने की वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर वो क्या होगा हॉट एंड ड्राई होगा दी वेस्टर्न एरियाज टेम्परेचर इज़ हॉट एंड ड्राई नेक्स्ट वे इज़ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे कि मेघालय हो गया उस साइड क्या है उसमें मोस्ट ऑफ़ द पार्ट ऑफ़ द ईयर साल में ज़्यादातर टाइम वहाँ पर रेनफॉल ही होती रहती है सो so, वहाँ पर नोटिस किया जाता है हाई रेनफॉल जिसकी वजह से वहाँ का जो वेदर होता है वो वेट होता है क्लाइमेट पढ़ने के बाद अब इस क्लाइमेट का एनिमल पे क्या असर पड़ता है उसके लिए वो क्या करते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे दैट इज़ अडेप्टेसन तो अडाप्टेशन एज ए हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि वॉट इज अडेप्टन ऐसे फीचर्स या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या हैबिट्स जो एनिमल के अंदर आते हैं जिनसे वो सराउंडिंग में रहने के कैपेबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं अडेप्टेसन सो द फीचर एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग यानी कि अगर सर्दी पड़ रही है तो वो विंटर में रहने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर हैबिट लाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लाएंगे जिससे कि वो उस कोल्ड में भी सरवाइव कर सकें तो वो फीचर और हैबिट एनिमल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं टू लिव इन द सराउंडिंग उसी को हम अडेप्टेशन बोलते हैं सो पोलर रीजन को पहले डिस्कस करेंगे कि पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने के लिए तो पोलर रीजन एज वी नो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है सिक्स मंथ जो है सन राइज रहता है और सिक्स मंथ क्या है सन वहाँ पे सेट रहता है और ड्यूरिंग द विंटर जो टेम्परेचर है वो तो माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है लाइक कंट्रीज लाइक कैनेडा स्वेडन तो यहाँ पर इस तरीके का जो क्लाइमेट रहता है तो उसमें हम जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम लेते हैं दैट इज़ पोलर बियर एंड पैंग को यहाँ डिस्कस करेंगे तो जो पोलर बियर है वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करता है इतने एक्सट्रीम टेम्परे क्लाइमेट में रहने के लिए फर्स्ट इज पोलर बियर के जो ऊपर आउटर लेयर होती है वो वाइट फर की लेयर होती है उसके फर जो है वाइट कलर के होते हैं एक तो काम होता है फ़र का कि वो उसकी बॉडी को वार्म रखता है इतना ज़्यादा गर्म रखता है कि उन्हें इतना स्लो चलना पड़ता है ताकि उनके जो टेम्परेचर है वो बॉडी का इंक्रीज ना हो जाए सो दे वॉक स्लो बिकॉज ऑफ़ दैट तो फर क्या है उनकी बॉडी को वार्म रखता है एंड वाइट फर होने की वजह से वो स्नो में क्या है उसी के जैसे दिखता है तो उसके जो प्रीडेटर्स हैं वो भी उसको नहीं पहचान पाते तो प्रिडेटर्स यानी कि जो उसके ऊपर फीड करने वाले हैं यानी कि जो बड़े एनिमल्स हैं या शिकारी हैं वो उसको इजीली ढूंढ नहीं पाते कि वो उसको वाइट होने की वजह से उसके वाइट फर होने की वजह से वो स्नो स्नो की तरह ही दिखता है और इजीली छुप भी सकता है और पोलर बियर का क्या है जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो वो इजीली अपने जो प्रेज हैं जिनके ऊपर वो फीड करता है यानी जिनको अपना शिकार बनाता है वो उनको इजीली ढूंढ लेता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉग सेंस ऑफ स्मेल फिर थर्ड चीज़ क्या है कि उसके जो क्लॉज हैं वो भी क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं जिसकी वजह से वो क्या है बहुत आसानी से जो है स्नो में या आइस के ऊपर आसानी से चल सकते हैं और चौथी चीज़ है दैट उनके जो स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वार्म रहती है तो इतना ठंडे क्लाइमेट में भी वो इजीली सरवाइव कर पाते हैं फिर नेक्स्ट है कि इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर तो इसके जो फर की लेयर है वो टू थिक लेयर होती है क्योंकि वो फिर इसे इंसुलेटेड बना देता है तो उनकी बॉडी फिर वार्म रहती है तो इट डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम इट्स बॉडी तो वाइट फर एंड हैविंग स्ट्रांग स्मेल और ड्यू टू द क्लॉज डिजाइन एंड लेयर ऑफ फैट एंड दी टू थिंक लेयर ऑफ फर इट इज कैपेबल ऑफ लिविंग इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट नेक्स्ट हम बात करेंगे पैंगविन इसी तरीके से पैंगविन भी क्या है एक और चीज़ पोलर बियर की ड्यूरिंग द समर जब टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाता है तो इसे अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए इसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है दैट इट कैन स्विम ये बहुत अच्छे गुड स्विमर भी होते हैं बिकॉज इनका जो आ, डिज़ाइन है क्लॉस का वो भी कैसे होता है वेब्ड होता है लॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो इजीली क्या है स्विम भी कर सकते हैं और ये अपनी जो नॉस्ट्रिल है उसको भी काफ़ी लंबे टाइम तक बंद करके वाटर के अंदर एज इट इज़ काफ़ी टाइम तक वाटर के अंदर रुक सकते हैं ताकि जो है समर में भी ये लोग ईजिली सर्वाइव कर पाएँ नेक्स्ट विद द पेंग्विन पैंगविन भी जो है आपने देखा होगा आगे से वाइट कलर का होता है तो ये भी क्या है स्नो में अपने कलर को मिक्स कर लेता है सो so दैट की जो प्रिडेटर्स हैं उनसे ये बच सके इसकी स्किन के भी अंदर जो है फैट होता है जो कि इसको कोल्ड से बचाता है एंड इट्स बॉडी की केप्ट वार्म ड्यू टू दैट और ये भी क्या है गुड स्विमर होते हैं तो समर uh, में ड्यूरिंग समर अपने आप को कूल रखने के लिए ये वॉट uh, स्विम करते हैं और इनकी बॉडी की स्ट्रीम होती है इस वजह से ये इजीली स्विम भी कर पाते हैं और इनका आपने कई बार ही पिक्चर्स में देखा होगा दो पैंगविन्स को आपने साथ में मिले देखा होगा कि वो साथ में एकदम चिपक के खड़े रहते हैं बिकॉज़ वो क्या शेयर करते हैं Uh, ताकि वो इसी तरीके से रहने इसलिए रहते हैं ताकि जो उनकी बॉडी है वो वार्म रहे जैसे हम क्राउडेड प्लेस में जाते हैं तो हमें क्या है उतना कोल्ड uh, फील नहीं होता है जितना अगर हम अलोन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसी तरीके से दे स्टिक टू गैदर टू कीप देम सेल्फ वॉम फिर जो पोलर रीजन के अंदर बर्ड्स होती हैं बर्ड तभी सर्वाइव कर पाएंगी व्हेन दे आ, कीप देम सेल्व वॉम तो इसके लिए ये क्या करते हैं माइग्रेट कर जाते हैं माइग्रेट करना यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे समर हो जाता है तो ये दे कम बैक इन जब राइज हो जाता है टेम्परेचर दे कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस तो जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स होते हैं जो साइबेरिया से कहाँ जाती हैं दे माइग्रेट टू भरतपुर भरतपुर इन राजस्थान और सुल्तानपुर हरियाणा में एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आकर रहती हैं एंड जब टेम्परेचर फेवरेबल हो जाता है दे गो बैक टू देयर प्लेसेस नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो इक्वेटर के अराउंड आता है तो उस वजह से वहाँ पर क्या है टेम्परेचर काफ़ी हाई uh, रहता है क्योंकि विंटर्स में भी क्या है इट इज़ अबव 15 डिग्री सेल्सियस और ड्यूरिंग समर तो इट इज़ मोर देन फोर्टी डिग्री सेल्शियस ठीक है तो और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी सफिशेंट uh, होती है तो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ वार्म एंड वेट ये जो एरियाज़ इंक्लूड करते हैं जैसे वेस्टर्न घाट और इंडिया में असम एरिया जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब यहाँ का क्लाइमेट वार्म और वेट होने की वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं यहाँ पर रहते हैं जैसे कि मंकी एप्स गोरेला टाइगर एलिफेंट्स मैनी बर्ड्स इंसेक्ट्स काफ़ी सारे जो एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करता है ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है अब यहाँ पर इतने एनिमल्स होने की वजह से क्या है कॉम्पटिशन्स भी हो, होते हैं लाइक फूड का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से क्या है एनिमल्स आर एडेप्टेड इन वेरियस वेज जैसे कि ज़्यादातर एनिमल्स क्या हैं वो देखते हैं कि लैंड पे क्या है फूड को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स हैं तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ पर रह, रहने लगते हैं और टू अवॉइड दी कॉम्पिटिशन ऑफ फ़ूड जैसे कि एक रेड आइड फ्रॉग है उसमें क्या है उसके जो आ, फीट्स हैं उसके आ, जो फीट के अंदर नीचे पैड हैं वो क्या है स्टिकी हैं चिपकने वाले हैं तो वो क्या है उसको क्लाइंबिंग में हेल्प करता है ट्रीज़ के ऊपर ईजीली वो क्या है क्लाइम कर सकते हैं और मोंकीज मोंकीज़ में हम देखते हैं कि उनकी जो लॉन्ग टेल होती है वो उसको ब्रांच पे होल्ड हो जो अब मोंकीज़ के जो फीट्स हैं वो भी क्या है वे इस तरीके से हैंड्स और जो फीट हैं वो इस तरीके से डिज़ाइंड है ये डेवलप्ड है ताकि वो इजीली क्या है ट्रीज़ की ब्रांच को पकड़ सकें और एक बर्ड का एग्जांपल है टॉकन बर्ड जो है उसका क्या है एक लंबी सी बीक होती है उसकी जो चोच है वो काफ़ी बड़ी और लंबी होती है जिस वजह से वो जो फूड है अगर वो ज़्यादा हाइट पे भी है तो वहाँ से वो अपनी बीक की मदद से चोच की मदद से इजीली जो है वहाँ से वो फ्रूट या लीफ ले सकती है वरना अगर वो बीट नहीं होती तो उसका जो है ना वेट इतना हैवी होता है कि वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती और ट्री क्या है उसके वेट को हैंडल नहीं कर पाता इस वजह से तो उसकी जो है बी किस तरीके से डेवलप हो गई कि वो जो ऊँचे हाइट पर फ्रूट्स हैं वो उन तक पहुँच जाए क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ऐसे फूड की तरफ जाते हैं जहाँ पर क्या है लोग आसानी से और एनिमल्स पहुँच ना पाएँ तो ये बर्ड का एग्जांपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एनिमल्स क्या हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, उनका जो हियरिंग सेंस है उनकी जो आईसाइट है देखने की ये सब क्या हैं बहुत शार्पली उन्होंने डेवलप किया हुआ है शिकारियों से बचने के लिए और अपने लिए शिकार ढूंढने के लिए एक एडाप्टेशन होता है कॉमन स्लेज कॉमन स्लेज में क्या होता है कि कलर को ब्लेंड करने की पावर होती है यानी कि कलर को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है जैसे कि अगर वो लीफ एरिया में है तो दैट एनिमल विल टर्न इज कलर इंटू ग्रीन ओनली तो प्रीडेटर्स क्या यहाँ ईजीली पहचान नहीं पाएंगे कि वो लीफ है या कोई एनिमल ही है तो वो अपने कलर को इस तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि वो प्रीडेटर से बचे रहें तो उस प्रॉपर्टी को कॉमन स्लेज बोलते हैं फिर एक लॉन के टेल जैसे हम मैक है उसमें क्या होता है उसके चारों तरफ जैसे लॉन के चारों तरफ मेन होती है ना हेड पे और चीक्स गालों के चारों और जो हेयर्स की बनी होती है इस तरीके से इसमें वाइट और सिल्वर कलर की होती है ये इतना लेजी एनिमल है कि ये अपना जो ज़्यादातर टाइम है अपना वो ट्री के ऊपर ही गुजार देता है अपनी लाइफ का कुछ ही हिस्सा जो है वो नीचे आता है क्योंकि वो जो अपना ज़्यादातर खाना है वो कहाँ से ट्री से ही लेता है उसकी ट्रीज़ की लीव्स को फ्रूट्स को सीड को खाता है वो इसीलिए वो नीचे नहीं आता उसकी पूरी जो लाइफ है वो कहाँ स्पेंड हो जाती है वो ट्री के ऊपर ही आ, सर्वाइव करता है नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है दैट इज एलिफेंट एलिफेंट की क्या है जो ट्रंक है वो काफ़ी लॉन्ग होती है इसको ये स्मेल uh, जो इसकी वजह से क्या होता है इसका जो स्मेलिंग सेंस है वो भी काफ़ी अच्छा होता है लॉन्ग ट्रंक होने की वजह से और ये जो है लॉन्ग ट्रंक uh, को किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए भी हेल्प करता है टू होल्ड एनी तो वो ट्रंक यूज़ करते हैं एलिफेंट के जो टू टीथ होते हैं वो भी क्या हैं टस्क की तरह मॉडिफाइड होते हैं वो जो लंबे लंबे वाइट कलर के उसके माउथ से निकले हुए होते हैं डाटा टीथ तो ये भी क्या है वो ब्रांचेस को टीयर करने के काम आते हैं जो टहनी वो कहाँ खाना पसंद करते हैं उनको जो है वो इजीली जो है टीयर कर सकते हैं और खा सकते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो उनका हियरिंग सेंस बहुत शार्प होता है और वो क्या है इनको ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट में कूल cool रखने में यानी ठंडा रखने के लिए भी ईयर्स काम आते हैं सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड इट कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल